हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, आज की स्टोरी इसी बात से प्रेरित है कि आप जैसा करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इस कहानी को सुन के आपको सलमान खान की एक मूवी जय हो की याद जरूर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ जेनी के बारे में। जेनी एक बार एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करके अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ठंड का समय था, पूरा रोड सुनसान था, रात के 8 बज चुके थे। वो बहुत डरी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक बंदा आ रहा है। वो देखने में काफी गरीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं। जेनी उसको देख करके और डर गई। वो बंदा लेकिन जेनी के पास आया और बोला कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जेनी डरी हुई तो थी लेकिन मुस्कुरा के बोली, हाँ हेल्प तो मुझे चाहिए, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आपको अगर ठीक करना आता है तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो उस बंदे ने कहा, ठीक है मैं कर सकता हूँ ये, आप गाड़ी में बैठ ही जाके मैं आपकी गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ। जेनी जाके गाड़ी में बैठ गई और ये बंदा ठीक करने लग गया। आधे घंटे लगाने के बाद जब इस बंदे ने ठीक कर दिया तो जेनी ने इससे पूछा कि मैं आपको कितने पैसे पे करूँ। उस वक्त जेनी कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार थी, क्योंकि जिस कंडीशन में थी वो कोई भी पैसे दे देती। उस बंदे ने मुस्कुरा के कहा, मैंने आपकी हेल्प की है और हेल्प के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ पे करना चाहती हैं, आगे अगर कभी आपको कोई मिले जिसको हेल्प की जरूरत हो तो उसकी हेल्प कर देना और मुझे याद करना, इस तरीके से आप मुझे पे कर दीजिए। जेनी को ये बात बहुत आश्चर्यचकित लगी। जेनी ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय कह के अपने अपने रास्ते चले गए। जब जेनी आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक रेस्टोरेंट है। अब जेनी को भूख लग रही थी। जेनी उस रेस्टोरेंट में गई तो वहाँ पे उस वेट्रेस जेनी के पास आई। उस वेट्रेस के चेहरे पे काफ़ी अच्छी स्माइल थी, लेकिन वो वेट्रेस 7-8 महीने प्रेग्नेंट हो गई। तो जेनी ने सोचा कि वो कितने मेहनती हैं, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने पेन में होने के बाद भी ये कैसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जेनी ने वहाँ खाना खाया, वेट्रेस उसके बाद बिल लेके आई। जेनी ने उसको $100 का एक नोट दिया। वेट्रेस चली गई ताकि चेंज लेकर के आ सके। जब वो वेट्रेस वहाँ पे चेंज लेकर के आई, जेनी वहाँ नहीं थी। जेनी ने एक नोट छोड़ा था टिश्यू पेपर पे उस वेट्रेस के लिए, जिसको देख के वेट्रेस की आंखों में आंसू आ गए। उस पे लिखा था, ये पैसे मेरे नहीं हैं, तुम्हारे हैं, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मेरी भी किसी ने पीछे हेल्प की थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मुझे पता है अभी तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है, लेकिन इस प्यार के और हेल्प के चेंज को रुकने मत देना, अगर तुम्हें भी कोई ऐसा बंदा मिले जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प जरूर कर। उसी टिश्यू पेपर के नीचे $400 के और नोट रखे हुए। उस दिन जब वो वेट्रेस अपने घर गई तो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब अपने घर पहुंची, उसके बाद जब सोने के लिए बेड पे लेटी, तभी भी वो यही सोच रही थी कि इस टाइम पे उसके पति को पैसों की कितनी जरूरत है, अगले महीने बेबी आने वाला है, उसके पति कितने स्ट्रेस में है। उसके पति साथ में ही लेटे हुए थे, उसने अपने पति के गालों पे किस किया और कहा, थैंक यू ब्रायन एंडरसन टू बी विद मी। तो देखा आपने कैसे अच्छाई की चेन घूम के ब्रायन एंडरसन के पास वापस आ गई। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपको उसके लिए रिकॉग्निशन की जरूरत है। आप अच्छे काम करते रहिए, भगवान सब देख रहे हैं, घूम के वो जो चैन है आपके पास आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से। जब भी आपको कोई जरूरत मिलेगी, अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में आपको वो गाना सुनाया था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी। तो अच्छे काम करते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटिंग। बाय बाय।